हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि एलोन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा, कितने में खरीदा और आगे जाके ट्विटर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एलोन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। कैलकुलेशन करने मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन रुपीज में वो कितने होते हैं। कितना पैसा है ये बंदे के पास। एक पब्लिक सोशल मीडिया कंपनी अब प्राइवेट हो जाएगी। जब से एलोन मस्क ने ट्विटर के 9.2% स्टैक खरीद लिए थे, तब से ट्विटर और एलोन मस्क के बीच में डिस्कशन जारी था। इवन ट्विटर ने एलोन मस्क को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बनने का भी ऑफर दिया था, पर मस्क के इरादे कुछ अलग ही थे। और आज देखिए, एलोन मस्क 100% स्टैक के साथ ट्विटर के ओनर बन चुके हैं। ये सब स्टार्ट कब हुआ? जब एलोन मस्क ने खुद की सोशल मीडिया ऐप बनाने का सोचा, क्योंकि वो मानते हैं कि ट्विटर पर बहुत सारे कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस, ओपिनियंस को सेंसर्ड किया जाता है, बहुत सारे अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। वो मानते हैं कि सबको अपना ओपिनियन रखने का हक है और उनको ऐसी एप्लीकेशन बनानी थी जो फ्री स्पीच को अपना बेसिक प्रिंसिपल बनाए। और ये बंदा ना स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत पैसे वाला भी है। एलोन मस्क ने सोचा कि नए सोशल मीडिया ऐप बनाने से अच्छा है कि ट्विटर को ही खरीद लिया जाए। पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तीन बहुत ही बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ट्विटर पे। पहला तो यही कि एलोन मस्क फ्री स्पीच को बहुत ही प्रमोट करते हैं, तो सबसे पहला बदलाव तो यही होगा। वो ट्विटर की कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी को बेटर बनाएंगे। वो ट्विटर को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जिसका मतलब है कि यूजर्स को पहले से ही पता चल जाएगा कि वो जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो आगे जाके सेंसर होगा या नहीं होगा। दूसरा जो बदलाव होगा वो बहुत जरूरी है। ट्विटर में आपने देखा होगा कि कोई भी नई चीज या कोई भी फालतू की चीज बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाती है। ये होता है बिकॉज ऑफ स्पैम अकाउंट। ट्विटर पर जो ये फेक ट्रेंडिंग का सिलसिला चलता जा रहा है, मैं भी चाहूंगा कि एलोन मस्क इसमें काम जरूर करें। बहुत ही जल्दी जितने भी स्पैम अकाउंट्स है, स्पैम बोट्स है, वो रिमूव हो जाएंगे। तीसरा जो चेंज है वो बहुत जरूरी है और लोग बरसों से उसका इंतजार कर रहे हैं, एडिट बटन। ट्विटर ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो एडिट बटन लॉन्च करने वाला है, पर अब ये कमान संभालेंगे एलोन मस्क। मे बी स्टार्टिंग में एडिट ऑप्शन सिर्फ ब्लू टिक वाले यूजर्स को ही मिलेगा। नॉर्मल यूजर्स के लिए ये फीचर आने में टाइम लगेगा। ट्विटर के साथ आगे क्या होगा, ये टॉपिक की हिट बढ़ती जा रही है। कई सारी सेलिब्रिटीज ने अपने अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर लिए। वो मानते हैं कि नई पॉलिसीज की वजह से हेट स्पीच ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कई सारे सेलिब्रिटी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुविधा में है ट्विटर के वर्किंग एम्प्लॉयज, क्योंकि उनको एलोन मस्क के प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पर आप कोई कंफ्यूजन में मत रहना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर।